देखिए लग रहा है ना मार्केट जैसे, आप भी इसे अपने घर पे जरूर बना सकते हो, वो भी बहुत ही कम टाइमों में और एकदम टेस्टी। हलवाई के जैसे होते हैं ना समोसे, परफेक्ट बस वैसे ही आप समोसे घर पे भी बना सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ मैं समोसा कैसे बनाए। हे एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मेरे केले के चिप्स वाले वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया। ऐसे ही आप लोग प्यार और सपोर्ट करते रहिए, मैं आपके लिए एकदम अच्छे अच्छे वीडियो लाऊंगी जो आपको परफेक्ट होगा। आप जो भी रेसिपी मेरे से देख के बनाइएगा ना, एकदम सटीक बनेगा और बहुत टेस्टी बनेगा, इसकी ना मैं गारंटी लेती हूँ। क्योंकि मुझे ना ये बनाते हुए बहुत टाइम हो गया, मैंने पूरा हलवाई की तरह बनाई है, मैंने पूरा हलवाई स्टाइल जो होता है उनका देख देख के, मैंने जब भी मुझे समोसा खाने का मन करता था मतलब मैं उस टाइम में जाती थी जिस टाइम में वो लोग बनाते थे समोसे, जब मसाले बनाते थे ना मैं उसी टाइम में जाती थी, तो देखती थी कि कैसे कैसे मसाला बनाया जाता है, कैसे कैसे समोसा बनाया जाता है, तो मैंने पूरा चीज़ उन्हीं से सीखा है। तो आप लोग एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा, पूरा एकदम लास्ट तक देखिए, आपको एकदम परफेक्ट समोसा मिलेगा। उसका समोसे का फीलिंग होगा ना वो भी हलवाई जैसा होगा, बस एक बार ट्राई करके देखिए, भरोसा कीजिए एकदम टेस्टी बनेगा आप लोग का भी समोसा। चलिए बताते हैं मैंने समोसा कैसे बनाया। मैंने समोसा बनाने के लिए आलू ली, आलू को ना ऐसे मतलब पूरा उसको ना पराठा की तरह नहीं बनाया, ही मैश कीजिएगा। उसके बाद मैं ना थोड़े से अदरक लहसुन और मिर्ची को लेके कूट ली हूँ, कूट के ही डालिएगा, कभी भी उसे ना उसे पीस के मिक्सी में ये सब करके मत डालिएगा, कूट के डालिएगा। मैंने देखा था कि वो लोग कूट के ही डाल देते, कूट के डालिएगा। एक पैन में थोड़े से ऑयल ले लीजिए और पचफोरन लीजिएगा, आप लोग के इधर भी ईजिली पचफोरन मिल जाएगा, नहीं है पचफोरन तो कोई नहीं, आप जीरा रख के भी बना सकते हैं, बस लेकिन पचफोरन से ना टेस्ट अच्छा आता है, आप पचफोरन ही डालिए, नहीं मिले तो वो डाल सकती है। इसके बाद मैंने जो कूटे हुए थे अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट वो डाल दिए, डालने के बाद थोड़े से मसाले घर वाले होते हैं ना, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, ये सब डाल के थोड़े से पानी डाल के मिक्स कर ली। और उसके बाद मैंने उसमें आलू डाल दिए, आलू डालने के बाद उसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल दीजिए। गरम मसाला डालने से घर वाले जो पीसे गरम मसाले होते हैं ना पैकेट में जो मिलते हैं वही डालिएगा, उससे टेस्ट अच्छा आता है। उसके बाद थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और थोड़ा सा धनिया के पत्ती और मैंने जो बादाम को भुनी थी ना वही डालेगा। हलवाई में ना देखते हैं वो लोग ना बादाम डालते हैं, वो मटर वटर हम नहीं देखे हैं डालते हुए, मेरे यहाँ इधर जो बनता है उसमें बादाम रहता है, तो मैंने बादाम डाले। इसके बाद उसके सब मिक्स करके उसे गैस से उतार लीजिए। उसके बाद चलिए आटा लगाते हैं। आटा लगाने के लिए मैंने एक कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने मैदा ली, उसमें थोड़े से नमक, थोड़े से अजवाइन और थोड़ा सा ऑयल डाल के थोड़ा सा पानी, उसी टाइम पानी डाल दीजिए, ऑयल डालिए उसे मिक्स मत कीजिए। उन लोग वो लोग करते हैं क्या, ऑयल डाल के उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसी आटा को मिक्स कर लेते हैं, मैंने वैसे ही किया। उसके बाद थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दीजिए। रेस्ट करने के बाद 20 मिनट के बाद आप उसे ना एक लोई लेके एक रोटी की तरह लंबा लंबा बेलिएगा। समोसे ना लंबे लंबे होते, गोल रोटी की तरह नहीं होते, वो समोसे लंबे होते, तो आप लोग भी लंबा बेलिएगा। उसके बाद ना बेलने के बाद उसे एक चाकू की सहायता से बीच से कट कर लीजिए। कट करने के बाद थोड़े से पानी लीजिए और साइड से थोड़े से पानी लगा के देखिए मैं कैसे फोल्ड कर रही हूँ, आप भी वैसे ही फोल्ड कीजिएगा। थोड़ा भी ना गैप नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपके समोसे फट सकते हैं, तो ऐसे ही गैप नहीं रहेगा तो फटेंगे भी नहीं समोसे और टेस्टी भी बनेंगे। किसी भी समोसे में देखिए ना, आप थोड़ा भी ऑयल चला जाता है ना तो टेस्टी नहीं लगते, वो पूरा मुँह में ऑयल ऑयल जैसा होता है, तो आप ना पूरा अच्छे से उसे बंद कीजिएगा। उसके बाद आप थोड़े से मसाले लेके एक चम्मच मसाले लेके उसमें भर लीजिए। उसके बाद उसमें ऊपर का कवर होता है ना उस साइड से पानी लगा लीजिए, पानी लगाने से पूरा ना कवर हो जाएगा समोसा। देखिए मैं कैसे उसे फोल्ड कर रही हूँ, देखिए जहाँ पे आप तोड़ दीजिए। इसके बाद देखिए पहली टिप्स होती है कि आप कभी भी गर्म ऑयल में कभी भी समोसे नहीं डालें, नहीं तो आपके समोसे देखिए कैसे होंगे। आप लोग ना यही गलती सबसे पहले करते हैं, देखिए कैसे हो गए समोसे, ऐसी गलती आप लोग कभी मत कीजिए। गरम ऑयल में कभी भी समोसे मत डालिए, नहीं तो आपके समोसे ख़राब हो जाएंगे, टेस्टी बिल्कुल नहीं बनेंगे, ऊपर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से बिल्कुल कच्चे रहेंगे, आपके समोसे ना ख़राब लगेंगे खाने में भी और देखने में भी। देखिए कैसे बबल्स हो गए हैं पूरे समोसे के ऊपर, अच्छे नहीं लग रहे हैं ना, आप लोग ये गलती मत कीजिए, ये टिप्स आप लोग ज़रूर याद रखिएगा तो ही आपके समोसे बहुत अच्छे बनेंगे। इसके बाद मैंने एकदम ऑयल गर्म नहीं था, मतलब थोड़ा सा जो गर्म होता है ना हल्का, वही गर्म सब में मैंने सारे समोसे को डाल दिए। देखिए कितना कम गर्म, उसमें देखे थे इसे पहले वाले समोसे डालते ही कैसे उबलने लगे थे पूरा, इस बार देखिए कैसे हो रहा है, बस थोड़ा सा ऑयल गर्म होना चाहिए, पकने में आपको ना कम से कम 15 मिनट तो लग जाएंगे।
आप लोग ना बस प्यार दिया कीजिए, मैं ना आपके लिए बहुत अच्छी सी वीडियो ला सकती हूँ। आप लोग का प्यार मिलता है ना तो मोटिवेशन मिलता है कि नहीं आज ये बनाना है, उनको ये बताना है कि ऐसे बनाया जाता है। मैंने ना जब से ये समोसा बनाया ना तब से मैंने कभी अपने पैसे से समोसा नहीं किया, आज से 3 साल हो गया होगा। मैं खुद के पैसे से समोसा नहीं लाती, घर पे ही बनता है मेरे यहाँ समोसा। जब भी खाना हो भाई बोलता है बना दो समोसा, पापा बोलते हैं, घर में जो भी फैमिली मेम्बर है बोलते हैं चल घर पे ही बना लो। वहाँ से लाने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसका तेल भी अच्छा नहीं होता, तुम्हारा टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो आप भी घर पर ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी बनने वाले, सच्ची बता रही हूँ। एक बार ट्राई करके देखिए, अगर अच्छे नहीं बने ना तो आप मेरी वीडियो नहीं देखी, बस एक बार ट्राई करके देखिए, देखिए कितने अच्छे समोसे, एकदम लग रहे हैं ना कि हलवाई के जैसे समोसे हैं। ये मैंने अपने घर पे बनाया था, आपको तो पूरा प्रोसेस दिखाया है, अब देर किस बात की, आप लोग ज़रूर बनाइए घर पे। देखिए कितना अच्छा स्टफिंग है, देखिए कितने अच्छे से अंदर से पके हुए हैं, पूरा एकदम आपको ना शुरू से पूरा बताई हूँ कि कैसे कैसे मैं बनाती हूँ। तो आप बनाने में क्या है, ज़रूर बनाइए, बाहर से मत लाइए समोसा, आप घर पर बनाइए और खाइए, सब लोग को खिलाइए, सबको बहुत पसंद आएगी।